शुक्रिया श्री राम के हर एक जनता। और आज मैं सबसे पहले हर एक सुनने वालों को, जहां तक ये आवाज जा रहा है, आप सभी को मेरा प्यार पहुंचे। श्रीमान बौद्ध सर, हम बातचीत करने जा रहा हूं हमारा देश का प्रेसिडेंट बौद्ध सर। बौद्ध सर का विचार है कि नीदरलैंड से कुछ एक्सिस और आने वाला है। नीदरलैंड से प्रेसिडेंट देसी बौद्ध से कहते हैं कि जो बसला क्या हुआ पैसा 23.5 मिलियन यूरो जो ओबामा मिनिस्ट्री नीदरलैंड बसलाख में लिया है, ये जानबूझ करके ये आक्सी श्री बौद्धर्स के ऊपर ये आक्सी है, अनपॉलिटिक आक्सी। भाई बहनों, देशी बौद्ध से कहते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसी में, देशी बौद्ध से कहते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसी में कि जो पैसा 23.5 मिलियन यूरो जो है ओपनबार मिनिस्ट्री इन नीदरलैंड जो बसराह में लिया है, इस पॉलिटिक आक्षी। बहुता बोले है कि एगो पॉलिटिक आक्षी है, और ये भी सोच रहे हैं कि और ऐसा आक्षी भी आने वाला है, क्योंकि बहुत अरसे के ऊपर ये आक्षी शुरुआत हुआ है। एक सिनारियो है जैसे बहुत ने कहा, दिस वोल्क इज अ स्टार्सहोफ्ट इज अब नीट आउटगेस्लोटन दैट आर नोग मेर सिनारियोज इन द मार्क सेन इन डेन हाग। डेन हाग के बाद नीदरलैंड के बाद बहुता के लिए ये सब जितना बोले पॉलिटिक, बहुत से कहते हैं कि हम लोग तैयार है हर एक समस्या जो हॉलैंड से आता है हम लोग ध्यान से सुनते हैं। और इतना बात हमें याद है कि ये पैसा जो 23.5 मिलियन बसलाख में लिया गया है, ये पॉलिटिक आक्सी है हॉलैंड के अलंग से। अब देखो क्या हुए ये भैया, तीन मोटर गाड़ी, जहां पर दो मोटर गाड़ी चलाना चाहिए या तीन मोटर गाड़ी, लपोंग स्ट्रात वाटेमोल स्ट्रात, ये भैया लगा धक्का मौसी तीनों गाड़ी छितरा गया है, तीनों गाड़ी छितरा गया काकी। अब हम बोली तो क्या बोली, एबीएस में तो हम बात करने को जा रहा हूं मार्टिन लूथर किंग, अफुबाकावेख, पोवाका, इन तीन जगहों पर कहीं पर दो मर्तबा कहीं तीन मर्तबा सामान ईबीएस का सामान चोरी हुआ है। ये डेनिस दे योंग हु फ्रॉम द अपडेटिंग पब्लिक रिलेशन ईबीएस की तरफ से सुनाई गई है। भाइयों, आनेमर जो ये काम कर रहा था बोले अब हम काम बंद कर देंगे, काम हम बंद कर देंगे, कहां सब चीज फिर लाना किन किन करके, तो ये सब बात हुआ काका। तो अब ये चोरी होने की वजह से कुछ बवाल है देश में, और इसीलिए आनीबर एबीएस का ये काम कुछ समय के लिए बंद करने वाला है। भैया जी, तेलशिव के भी सामान चोरी हुआ सात मर्तबा तेलशिव के यानी कि बद्रेव के यानी कि काबस वगैरह सात मर्तबा उनको नोच नाच यानी बसखादक किए हैं, बसखादक किया हुआ है। इसी कारण से दो दिन यानी इंटरनेट पर के नहीं था, निकेली की तकलीफ था, कोरोनी की तकलीफ था, शायद बेल्टलैंड के लिए भी तकलीफ में था, क्योंकि इंटरनेट पर के बेल्ट फ्रेंडशिप बेल्ट चला गया। जब ये काबल लोग सात मर्तबा न जाने मशीन से उखाड़ रहे हैं या
कटली से काट डलते हैं या टांगा से काट डलते हैं। ये कैसे हुआ काका, वही जानते हैं जो ये बर्बादी की है। कोर्ट कचहरी होता ही रहेगा मौसा, कोटिया में होता ही रहेगा। मैं आपको बताऊंगा, आप सबसे पहले रेक्टर है इंग्रिज लक्की चरण और ऑफिसियर फॉर जस्टिसी मिस्टर निर्मला मैको, और किसके ऊपर मुकदमा चलाया गया है काका? तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा ये बात हम कहेंगे। जेमी वे और क्रिस्टा वे, जेमी वे और क्रिस्टा वे, ये दो पुरानी है अखबार लोग कहते हैं। ये अखबार रेक्टर इंग्रिड लक्की चरण के सामने जो खड़ा हुआ है और मिस्टर निर्मला मैको ऑफिसी फाइस्टी से डना डन डना डन डना डन, ये ऑफिसियर ने कहा, रेक्टर ये देख दोनों के तरी देख, तू जेमी के देख, तू और क्रिस्टा को देख, ये अपना सगा बिटिया को 9 साल के 10 साल के वर्षों से ये दोनों परानी इन दो बेटियां का जिंदगी तबाह करते आए हैं, यानी हवस उतारी हुई है जेमी और क्रिस्टा भी। ऑफिसी फाइस्टीसी मिस्टर निर्मला मई को पटक पटक करके हाथ टफड़ा पर कहा कि जज देख तू नू दो, इन दो आदमियों को, मर्द औरत को देख, दो परानी के देख तू भला। मई को 4 साल के सजा की मांग की गर्द कांटोन, न पहले जहां गर्द कांटोन मरवेड फिर यार साउथ तरफ एंड्रीड कांटोन को मेन फिर यार, दोनों मिला करके 8 साल फिर प्लस फिर 8 साल 8 यार। रहते इंग्रेज लक्की चरण उठाई हथौड़ी, हमारी से तफरा पर बम से लह द एम इन टोटल 8 यार सेल्स तरफ अप। ए काका, प्रेसिडेंट डेसी बाउटर से 13 अगस्त को कुबा को रवाना होने वाला है। प्रेसिडेंट डेसी बाउटर से 13 अगस्त को फिर से जा रहा है कुबा। अब सी वो जब जा रहा है तो हमें पता चला है, जो खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसी में जनता को ये संदेशा दिया है देसी बहुतर साहब, अब सी वो जा रहा है बैक हेरनिया के ऊपर राशि के लिए, बैक हेरनिया ऊपर राशि, बैक हेरनिया ऊपर राशि के लिए ये जा रहा है। कितना दिन में लौटेगा ये पता नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उन्हें वहां पर रुकना चाहे पड़ेगा। ये बैक हेरनिया है और फिर ये ऑपरेशन के बाद उन्हें कुछ दिन वहां पर सिकन हाइस में रहना चाहिए, रुकना चाहिए, और फिर बाद में वो वापस आने वाला है सूरीनाम में। तब तक सूरीनाम के बागडोर द फिस प्रेसिडेंट द वार नेमन प्रेसिडेंट अश्विन अधीन के हाथ में रहेगा, अश्विन अधीन के हाथ में रहेगा द वार नेमन प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक सूरीनाम। अब देखो एक रवाज है बेनलाग में ग्रामांग ग्रामांग के सिलसिले में काका। अब ऐसे ना है कि जैसे कि जनता के बुला करके या सरकार के बुला करके और ग्रामांग को बनुम कर दो, नहीं, ये ग्रामांग के बाद जो है नया खुरूत और प्रहूफ के बात है सरमकानस, तो ये गांव में फैसला होता है, गांव में वहीं पर वो जनता को खुद फैसला करना चाहिए, सरकार खड़ी बनुम करता है।
बनम करता है, बेइज्जत करता है, लेकिन कैंडिडेट को ठहराना वो वहीं पर जनताओं के अलंग से होता है। लेकिन जैसे पता चला है कि तीन तीन लोग इस कुर्सी के लिए हड़ताल कर रहे थे, तीन तीन लोग, एक रहा अल्बर्ट अबोइकोनी, दूसरा नाजे अमीना और तीसरा फ्रांस बनाई। ये तीनों को लोग कहते हैं वहां गांव में, तीनों के आन है, तीनों के पीछे आदमी है, कहते हैं कुछ लोग के अमीना के होना चाहिए, कोई फ्रांस के होना चाहिए। लेकिन देसी बहुत सब लोग से बातचीत करते करते खुद फैसला ले लिया और अब वही कोनी को नया ख्रोत अपर हो सर मकानस के अलंग से इनको ठहरा दिया है। तो जाने है बाकी लोग के अलंग से धमकी आया है, ऐसे ड्रेसिंगर को एच जो बोला अल्बर्ट अबोई कोनी को जो बहुता बैठाई तो और लोग होगा बेनवात में फिर से और लोग फॉर क्लारिंग इन दिन अबोई कोनी द नीव ग्रामांग वर्ड बहुत से होप दैट नीचू फेर कॉम्ड। ये सबसे बातचीत करी से नाजे आमिना से बातचीत किया, फ्रांस बनाई से बातचीत की और वैसे अल्बर्ट अबोई कोनी को वो जगह दे दिया। लेकिन गांव वालों ने कहा और लॉक होने वाला है, और लॉक, अरे बप्पा और लॉक के बात होने लगा है। श्रीराम के जनता अभी कुछ दिन पहले कश्मीर स्ट्राट में एक ओनर नेमर का हत्या की गई है, शायद आप अखबार में पढ़े होंगे, हम लोग इसके बारे में जिक्र किया था। एक ओनर नेमर कश्मीर स्ट्राट का निवासी, उन्हें लोग हत्या की गोली मार दिया, उनका मौत हो गया। उनका विधवा पत्नी घर पर कल थी, शनिचर को उन्हें कुछ पैसा मिला, कुछ पैसा घर में आया है 10,000 अमेरिकन से डॉलर और 22,000 एसआरडी। ये पैसा उन्हें शनिचर को मिला जो शनिचर बीतल है, और सोमवार के सुबह भैया जी दो आदमी, दो क्रिमिनल, दोनों अपना मुंह बांध करके रुमाल से और इनके घर में घुसा मफराओ के, और यानी डिफ एजर उखाड़ करके घर में घुसा, बालकन से चढ़ करके डिफ एजर घर में घुसा और शराब काम में जा करके और इस औरत के ऊपर हमला की। 10,000 नगद पैसा, 10,000 अमेरिकन से डॉलर जो उन्हें शनिचर को मिला था, मिली थी, और 22,000 एसएडी छीन छान करके वहां से भाग निकला है। द फ्रॉ ऑन सिंग डिट हेल्थ सात दा जय हिम सच कफूल दट ईमान दी डेट बेहार इस द इंफॉर्मेशन आर द वो फॉर शेफ दौर खस्पील। ऐसे से बताइए भैया, जब बेचारी को पैसवा मिलल है शनिचर के सवेरे और सोमवार के सुबह डाकू घर में घुस करके है और बेचारी के सब पैसा लूट करके और वहां से भाग निकला है। श्रीराम के जनता, ये तमाशा हमारे श्रीराम में हुआ है। तो क्या बताई ला काका, कितना लोग के लाश अभी तक पड़ल है मोर्चुआरियम में। तो कुछ लाश जो अभी तक पड़ल है मोर्चुआरियम में, जैसे विजेंद्र लाल बहादुर, विजेंद्र लाल बहादुर फनाफ 17 नवंबर गुजरे साल से ये मोर्चुआरी में ये लाश अभी तक पड़ा है लाल बहादुर। वहां पर मिल्टन स्लैंग खाट के लाश 9 जनवरी से, वहां पर ऐसे ऐसे करके और कितने हैं। तो प्यारे लोग जनता,
भी जनरल लाल बहादुर के परिवार अगर जहां भी हो आपको मोर्चुआरी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर कोई परिवार के पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है विजेंद्र लाल बहादुर को दाह संस्कार करवाने के लिए, तो आपको चाहिए, परिवार लाल बहादुर के चाहिए, हम लोग से कॉन्टैक्ट करें रापार में यहां, तो यहां से हम लोग इसका दाह संस्कार के बंदोबस्त हम लोग करा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तानी है। और अगर हम लोग ये बात सुनते हैं कि गुजरे हुए साल से अभी तक लाश पड़ा है, तो ये हम लोग को शर्म लग रहा है। प्यारे लोग जनता, अगर ये परिवार, अगर आप लोग कोई परिवार, अगर आप लोग पैसा नहीं है इसको दाह संस्कार कराने के लिए या अंत्येष्टि कराने के, जो आप लोग को मांग होगा आप आकर के यहां हमारे कंटोर में इसके बारे में जिक्र कीजिए, हम लोग देखिए इसके बारे में कितना जल्दी हम लोग फैसला लेकर के इनका दाह संस्कार हम लोग करवा सकते हैं। और हम लोग को ना अच्छा लगे है कि एक लाश अभी तक पड़ल है मोर्चुआरियम में, वो साल से 17 नवंबर से है, लगभग अब एक साल होने को जा रहा है, तो ये अच्छा न लगे। ए काका तू सुन ले का बात है, एक कैदी देलानो बरन अलियास बीटो इतवार को पुलिस ब्यूरो डिफॉर्नो से भागा है, भागा ये बप्पा। घर पीछा लोग कर ले बाकी हुआ ऐसा भगाई भगा, पता नहीं कहा भागते 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 भाग गया है, दुख के ये संदेशा है। लेकिन लेकिन भाई बहनों पर दख्त और स्नात थोड़ी छी भी रो भाग दे बोले भागो के यहां मार खाई बला काटे। ऐसे बात है, एक समस्या हम आप लोग के सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रेक्टर इंग्रिज लखीचरण बैठा है बीच में हथौड़ी हाथ में लेकर के, इंग्रिज लखीचरण बैठा है बीच कुर्सी में, हाथ में हथौड़ी है, रेक्टर के सामने खड़ा है डोनोवन रुशेल लोरेंजो रेबॉन गी फर दख्त वर्दन फन हेट फर क्रख्तन फन एन यंग दाम ऑफ 21 अक्टूबर। रेस्टर इन चारों को रिहा कर दिया है। अब सुनिए तमाशा का की, अब तू देखिए तो का बात का बताएला। ऑफिशियल फाइस्टिची बेस्टर निर्मला बैकू के कान में ये बात भी गई है, और कौन सी गैर है कि ये लड़कियां धंधा करती थी काकी। अब ये लंदन क्या कहते हैं, है सेक्स दैट द यंग दाम ऑन कैन दैट से अन सेक्स वर्कर इज। सब लोग को पता है कि ये लड़की एक धंधा करने वाली नचनिया थी। लंदन कहते हैं कि ये नचनिया इन लोगों से ज्यादा पैसा के मांग की मौज मस्ती करने के बाद, लेकिन इन लोगों के पास पैसा नहीं थे उतना पैसा जो मांग की, तो जाकर के मुख जाने इन लोगों के नाम बदनाम करके कहा कि ये सब हमें बलात्कार की है। फोकंस द हेरन वेल्ड द यंग दाम बटालिंग औरत रोमल ख। अब देखो यही बात है काका, रेक्टर ने इन सब को रिहा कर दिया है, लखीचरण सभी को खेस्टरन फॉर लोपक इन फ्रे हेज खिस्टा एंड 5 नवंबर को इस मुकदमा में रेक्टर फैसला सुनाएगी। लेकिन ये सब लोगों ने छोड़ दिया है। ए काका हम तो चेतना बात बताएला तो तमाशा सुनिए,
रेक्टर इंग्रिड लक्ष्मीचरण के सामने देसी एम खड़ा कर, देसी एम अभी तक यानी कि बाहर घूम रहा था, लेकिन मुकदमा इनके ऊपर चल रहा था। लेकिन कल जब ये कोर्ट पर आई सर, इन्हें द फ्रो विल द सामन मेट हर मान मेट द टैक्सी नॉट अन रेस्टोरेंट खान और ईमानदार के बदानकन फॉर अन भविष्य दिश। ये देसी एम जो ये टैक्सी चलाता है, इस गाड़ी में दो प्राणी बैठा। ये दो प्राणी एक रेस्टोरेंट के तरफ जाना चाहता था, वहां पर धन्यवाद देने के लिए। देसी रेज द टैक्सी नीट नॉट हेट रेस्टोरेंट मार नॉट अन स्वेस वा द आनखेफ्सर एंड हर मान वेर बरूफ। ओकरे बाद में दोनों को बाहर निकाल करके बोले उधरो गाड़ी में से, और दोनों के वहीं छोड़ करके उन दोनों को पैसा लूट करके गहना वहना लूट करके देसी और भाग गया काका। जब ये नालिश की है तो देसी गिरफ्तार हुआ है। अब ये कल गिरफ्तार हुआ है और कल जब ये कोर्ट में खड़ा है देसी एम, तो अब दरख्त आई से देसी को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए से खलास से जैन खफांगन नहीं मिफा देसी एम, और उन्हें 3 साल शांत बुमा भेज दिया ये दो प्राणी को यानी लूटी से। अब हम आगे चल करके वो समस्या आपके सामने रखेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे इंसान धनी होवे मांगे देशवा में, कितने धनी हो गए कितने धनी हो चुका है समझेगा, और कितने होवे मांगे वो रेक्टर के सामने ये सबको आना पड़ा। हम बताए लक्के के है ऑफिसी फाइस्टी थी मिस्टर निर्मला मई को इन सभी को डक फार्डिंग के द्वारा जज के सामने ला करके खड़ा किया। डीएल सेस्ट किलोग्राम कोकाइन के बारे में जो एक डबल बोदम एक कंटेनर योहान आदोलफ टेंगल लुफ्टहाफन से ये लोग 360 किलो कोक बेल्टलान नीदरलैंड को यानी भेज रहा था। हम बताई के है तनी नमवा सुनिए तू। मारियो एल के स्टीफन का मरीनो जे मेल्फिन खे उशन वे जॉन का हेफ्री डे पेड्रो डे ब्रायन पाल मीटा वे से विनाय एंड फालेंटिनो एस। इंग्रिड लक्ष्मीचरण के सामने खड़ा है स्वर्ड फरदाख्त फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग फ्रॉम द वेट फॉर ब्रोफन द मेडल ऑफिसी फाइव सीसी निर्मला मई को बोले यही लोग हैं जो 360 किलो कोकाइन फर्शेक करना चाहते थे नई जलान के लिए। फेस ऑफ फैक्ट तक पकन रहा इन टोटल 360 किलो। भाई बहनों, अब ये जज आगे जब ये मुकदमा तो पहुंचेगा तब इसमें ऑफिसियर पूछेगा या मांग करेगा कितना जेल और फिर आगे मुकदमा चलेगा। ऑस्वाल्डो फेई भी कल भी कोर्ट में खड़ा है। ये आदमी का नाम ऑस्वाल्डो फेई 18 साल के सजा के मांग हुआ है। अब आप सुनिए, यहां तो भी वही ऑफिशियल में बताए जा चुके प्यारे लोग। ऑस्वाल्डो सारी देन टू की निम ऑस्वाल्डो फेई सारी देन टू की निम
77 तक उन्हीं के मकान अनाकोकोस्ट्राट में हत्या की। और आगे चल करके और जो लोग रहा, लेकिन खास करके ओसवाल्डो के बारे में बात चल रहा है, क्योंकि ओसवाल्डो इस बुढ़िया के साथ वही घर में रहता था सारी दिन सेफन तक यार। तो क्या बताए लंबौसी, 28 दिसंबर के बाद गुजर गए साल, 28 दिसंबर को बुढ़िया इनके मौका दिया कि तू हमारे घरे रह सकते हैं, खाना उन्हें देता रहा, सब कुछ रहा। इस बुढ़िया को ये कत्ल किया, इस बुढ़िया को ये हत्या की, और हत्या करने के बाद इस लाश को ये डेकन से उड़ा करके और घर में से बाहर चला गया। फिर दो मर्तबा अलग अलग दिन ये वही मकान में फिर से गया चोरी करने के लिए। है सो धारणा नी केयर टू इन द वोनिंग से खुबीस और खुद रन जैसे तिरफीसी तुस्ता और ज्यादा घर के सामान चोरी करने के लिए। क्योंकि ओसवाल्डो उस सारी गेंद का जब हत्या की है, ओसवाल्डो फिर डेट हैथ ऑज्यूम द लेखाम फॉर इट्स लॉक्ड ओवर अफमेट एंड मार्क्ड द वोनिंग डेट। लाश वही पड़ल है, उग्रवाद ने कितनी परिवार तार करके पूछ रहे हैं कि सारी देन है कहां, न तार उठावे है न बाहर निकलता है। प्यारे लोग, पुराना साल के दिन परिवार इस बुढ़िया को देखने के लिए उनके मकान को जाते हैं। खान फॉर द फ्रो इस ऑफ द यार्स दफ्तर, लेकिन ये लाश बिल्कुल बिगड़ गई थी, एकदम बिगड़ गई थी। और इस मुकदमा में ओसवाल्डो गिरफ्तार हुआ है, 18 साल के सजा के मांग ऑफिसी फरिश्ती से मिस्टर निर्मला बैकू ने मांगी सर। अब देखो आगे चलकर क्या हो रहा है ये मुकदमा में। एक काका ऐसे ऐसे बहुत से तमाशा हम तो के बताए, बहुत से तमाशा है। आगे चल करके हम देखिला, जब हम अखबार हमारे देश के तमाम समस्या जो आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, अब देखो मिनिस्टर लिलियन फेरिये लड़कों से कहता है, ए लड़कन खाना डेंकन ऊपर, ये तू कौन सा अच्छा बात है, समझे ना, जा अपने तू कौन सा अपने भविष्य के बारे में सोचो। देखो कितना मर्तबा मौसा हम लोग के समझाई ला कि जब तू पौड़े न जाने हैं तो तू का करे जा पनिया में, तू न जाने पौड़े तो तू का ले जा पानी में। अब एक दफे बुढ़वा भैया बाजा बजल तररम। अब बुढ़वा बैठा तो बुढ़वा देखे कि सब नौजवान लड़का लड़कियां जा करके बीच में खड़ा होकर के सबके कमर हिले लगा, कोई के मुड़ी हिले, कोई कमर हिले, कोई गोर हिले। बुढ़ौआ देखा एक दहिया में स्त्रो मार लगा, अब बुढ़ौआ जाकर के बीचे बीच में भी खड़ा है। अब सब लोग बोले अंकल तुम नाच रहे। अब अंकल तुम काहे न नाचे है, अंकल तुम बोले कि देख जो अंगनवा टेढ़ है तो हम नाचे कैसे, जब तो किस नाच के धंगना है तो तू बिछुआ बेटा है। अंकल तुम तो जो ढंग न है नाचे के तो न जा खड़ा रहो, समझे ने काकी। बात ऐसे है, विंस्टन 5 अगस्त को परिवार के साथ रिकलियासी ओट में गया पौड़ने के लिए। रिकलियासी ओट जो श्री नाम रिफीर पर है,
पौड़ते 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 गहिर जगह चला गया और बुड़ गई। ओकरे बाद में खुजाई भेल और करीब रात को 10 बजे उनका लाश मिला। जब दैकस आया, दैकर लोग जाकर के खोजी से, तो विंस्टन विंसा के लाश मिला है। मेटफामिली एंड फ्रीडन ये गए रहा रही क्रिया से ओठ सवार इन खुरुप आने श्रमन इन द सूरी नाम रिफिर तुम प्लॉट सलेंग विंसा इन द दीप्त फरद्वीन। जब तू न जाने पौड़े तो तू काले लगे रे वहां एक आका विंस्टन विंसक एनफ पे तक यार के देख रहे तुझे यूरी के सुनिए का भैरा तुझे तक यार के ऊपर मन वो पारा क्रीक में क्रिकिया वो क्रीक है इन क्रीक तो पारा चार को लोग के साथ वो भी पौड़ने के लिए गया वो भी बुड़ करके उनका प्राण निकल गया। ओक्सेन लिखा हुआ डोर द डेकस ऑफ खोफेस द फकांसी इज नॉलेज बखोनन एंड एर सेन आल ट्वी फॉर ड्रिंकिंग्स खफालन द बत्रेरन। एक आका समझाओ ने सबके सबके तू समझाओ जब तू न पौड़े जाने हैं तो का करे तू गेले छपर 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 छपनिया में करे कौन सी करे गेले जब तू छपर छपर करे भी मांगे तो स्वयं फेस्ट भी पहन लेना चाहिए स्वयं फेस्ट। लेकिन प्यारे लोग मुझे बड़ी अफसोस होता है ये बात से है? बड़ी अफसोस होता है कि दो लोग का मौत हो गया अभी ढंग से फकांसी लोग को नहीं मिला है और दो लोग को मृत्यु हो गई है। हम अपने परिवार अपने लोगों अपने भाइयों से कहते हैं जो ये संदेशा सुन रहे हैं जब तू जाते शहर पारामारी से बाहर जाते तो कोई तो के न रोक पाई वो तो दौलत है तो विचार है तो सब कुछ है लेकिन आप लोग एक चिंता छोड़ के चला जाते हैं चिंता जनता के बीच में कि आपके पौड़ते हुए आपका मृत्यु हो गया तुम्हारा बाप माई को इतना तकलीफ बाद में होता है शायद तो कहना पता बहुत बहुत हो गए बहुत बाप और माई जो दुख काटे इस वक्त सर नाम में शायद कोई जमाना में नहीं काटे हुए थे जो दुख आज बाप और माई अपने बच्चों के लिए काट रहे हैं। इसलिए बच्चों अपने बाप और मां को जानबूझ करके ये दुख मत दो। जब तू न पौड़े जाने हैं तो दारू पी करके कौन बदर आप लोग कर रही हैं दारू पी पी करके ये पौड़े दारू पी पी के गाड़ी चलाई है दारू पी पी के ये नाचे दारू पी पी के पिस्तौल चलाई है दारू पी पी करके कटनी से उठाई है क्या यही तुम्हारा मां बाप सिखाई से। प्यारे लोग हमारे श्री नाम की तमाम जनता प्यारे लोग एक एंड ब्रेकर सिल्वानो फे आलियास बुस्ता देखती यार सिल्फानो 5 जगह डाका डाली से फेफ इन ब्राकन तहब खप्लीख्त और उकरे बाद में 1.5 जुली को एक नौजवान लड़की को घर में घुस करके उन्हें बलात्कार भी की है। सिल्फानियों को तलाश हो रहा है आलियास बुस्ता अनेक अनेक प्रकार के इंसान हमारे देश में बसे हुए हैं। प्यारे लोग एक अचानक एक सभा लगल है कमिटी क्रिस्टल के कैरकन ऑनर लेडेड वन मोशनर कार्ल चुनी प्रेसस डेसिरी पेरवेक मिनिस्टर एलियास के साथ ये लोग बैठ के बातचीत किए हैं ये लोग जानना चाहते का हो रहे देश के अंदर में से सिकन है अरका सिकन है जब सुनो तो ये स्टॉकिंग है तो आखिर का हो है? तो ये कर के जाने कमिटी क्रिस्टल के कैरकन मिनिस्टर के बुला करके और समझा दिया ठीक रूप में कि मरीज के साथ दिलगी मत करना और वो ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इस और सिकन है इसमें। आप तो सुन चुके लो है
दिलीप सर जी ने कहा है कि शिरालको का मृत्यु कब्बे हो गया है। दिलीप सर जी बोले शिरालको के मृत्यु कब्बे हो गई है, उनका अंत्येष्टि क्रिया भी ये करवा दिया है। और अब जनता खींचतानी करते खींच खाच कर रहा है, बोले खींच खाच बंद करो, क्योंकि एक चीज जो बाकी वहां पर है और वो है करेक्शन ट्रायल, जो ट्रीजन निखन छीन दिसंबर में शायद सूरीनाम के हवाले हो जाएगा। तो ये सब बात हुआ है भैया लोग, ओपोसीसी पार्टियन वृंदलन सिख इन अलकोवा क्वेस्टी, सब ओपोसीसी सवाल पर सवाल। लेकिन दिलीप सर जी ने कहा कि अलकोवा या शिरालको का मृत्यु हो गया है। हमारे देश के तमाम जनता भाइयों बहनों है, देखो हम देखेगा कि अखबार के कुछ खबर जो है आपके पहुंचा रही हैं। अपसी जो ताता कोलेन स्कूल है कोरोनी में, वहां के लड़कन ठीक से न पढ़ने हैं, वहां के लड़कन ड्री ऑफ क्रिस्टस को एसला है फिर द क्लास मिलो कोरोनी फनफीर एंड फेफ तक डैरकिन खसला सेस हेर काउंसिंग फेफ एंड डैर तक से आपको विजन। ये टाटा कॉलेज स्कूल जहां बच्चों के ऊपर भूत आते थे एक जमाना, पंडित अनिरुद्ध गंगाराम पांडे वहां गया था और इस समस्या को हल किया था, वही स्कूल के बारे में बात करते हैं। प्यारे प्यारे लोग, एक बच्ची जो पास हुई है यूनिवर्सिटेट में, टीना बुद्धू स्कूल में पास हुई है और वो पाया है बैचलर इन अखोखी से वेतनस्थापन एंड ऑनरवेज कुंड, बैचलर इन अखोखी से वेतनस्थापन एंड ऑनरवेज कुंड। बप्पा के नाम है राम प्रकाश बुद्धू, मैया के नाम है सुमित्रा बुद्धू राम हरक, एक पति देव का नाम है डॉक्टर आंगस रायन तुकुन, बेटा के नाम है रजवीर तुकुन, ससुरार बी तुकुन, बहन राधा बुद्धू एंड परी, भाई विकास और विशाल, प्रिया गुलजार स्वाखरेस और नेफिया हर्षिल। टीना बुद्धू पास हुई है बैचलर इन अखोखीसे वेतनस्थापन एंड ऑनरवेज कुंडम, मुबारक हो भी रापार की तरफ से। अब आगे चल करके भाइयों बहनों देखो, संदेशा तो बहुत है कहने के लिए ना? और सब लोग तो यही सवाल करते हैं और यही सवाल भी वैद्यू ने किया कि अक्षी जो एसएलएम ने किया है वारोम अलीन इन लाख सेशन में एसएलएम ने कहा कि सरनाम के पैसा से आप टिकट ले सकते हैं, सरनाम के पैसा से आप एक टिकट खरीद सकते हैं। तो वाइडू कहे काहे के खरी लाख सेशन में, कहे ना हमेशा के लिए सरनाम के पैसा। तो देखो एसएलएम की बात सुने कि न सुने हैं असेंबली रीजन के। कैलाश का को 12 महीना के सजा, मिस्टर निर्मला मैकू ने साबित कर दिया कि कैलाश का ये धंधा करता था, कौन से धंधा, ड्रग्स के धंधा। और डायरेक्टर ये बात पर ध्यान रख करके, क्योंकि कैलाश के लिए 12 महीना के सजा की मांग हुई थी, तो डायरेक्टर विचार करके जहां 7,500 डार था वहां 2,500 कर दिया। और जो निर्मला मई को अंस्ट्रा फन 12 मान है एस्ट एंड फॉर ब्यूट फॉर क्लारिंग फन एसआरडी
3250 en het verpakkingsmateriaal. Zo zeg je dat? Dan heb je dekho, 16 oktober ko je mokadma phir aega. 16 oktober ko abhi tak khali maang hui hai. Lekin ab dekho rector aur inko bachane ke liye ek advokat hai. He take a plate advokat Chandra Albu. Dekh tamasha. Ek alag Chandra Albu advokat aur ek hai officer for justice meester Nirmala Maiko. Jane ise kharap na kariye. Je John Baat uthaakar ke patak deo hil jaat to phara. Phir ha pe start met Meet the People campaign. Yahan par dekhe mein aaya hai, akhbar mein zikir ki hai, ki Nikeri mein tha. Phir ha pe ka forcetar Chandrika Prasad Santokhi. Jantaon ko Sheikh Khan dekh karne ki gaya tha. Chaati milana, Sheikh Khan thaat milana, haal chaal poochna, है कैसे हाल है का करे से बच्चन बियावा तो रहेगे कि ना होएगे है कहां तो रहे कहां जात हो कैसे है कौन सी खेले आज कौन सी ना खेले मतलब कि एक बोले मीट द पीपल कंपनी है हाल चाल पूछे कहां कहां जाइए रात के कौन सी खाइए कौन रेस्टोरेंट जाइए और कैसे रह लो और कैसे लड़का स्कूल जाए कि ना जाए और कैसे कैसे सब समस्या धान कैसे लगे हैं और कैसे यहां के फरके कैसे कैसे ये तो कैसे वो तो ये सब बात यानी हाल चाल पूछा जाता है हमारे भैया लोग मिनिस्टर फॉर बिनलांग से साकन इंस्टॉलेट बलेट्स कमेटी फॉर कीजिंग 2020 अब आप जानते हो कि एक बलेज कमिशी मिनिस्टर बिनलन से साक माइक मुर्सलीम ये तैयार किया एक लिस्ट बलेज कमिशी फॉर किचन 2020 वाफन द इंस्टॉलेशन द फॉरगो वीक डॉ मिनिस्टर माइक मुर्सलीम Binnenlandse zaken heeft plaatsgevonden. Is met jouw bijtrek, hè? Voorzitter. Binnenlandse zaken, de directeur Putri Devi Amatsu Marto. Putri Devi Amatsu Marto. Aange chal karke Rihanto Harjo Paviro. फिर अरुण समझावन और पत्रिचिया अरमस्कैरक कैबिनेट प्रेसिडेंट एरो तोकारियो बेनलान से साक नताचा वंग्ष्विक सम बेनलान से साक विल्को फिनिसी एरो एफ ताउजुरम फिनांसियन Natasha Benaron, on the race. Johnny Antonius, defensie. Lucretia Redan, justitie. Luciano Treudeman, Buza, buitenlandzaken. Je lopen verkiezing 2020. Ze moeten advies dienen aan Lothar Bokstein, Samuel Polane, Marlon Powell, en Chantal Bundel. Samadje kaka. Samadje bhaiya log. Minister installeer ki hai Balees Commissie for Kiezing 2020. Aap to naam sun chuke hai. Aur aap deho kya kar sakte hai naam le karke. Na? Ek bachche ko hum bhi phir ja karke badhai dena chahunga. Raisri M. Rampadarat Singh. Raisri Rotterdam ne bichari padhi se. To, Raisri M. Rampadarat Singh, Master of Law. Master of Law ke degree haasil ki hai Erasmus Universiteit Rotterdam ne. Raisri M. Rampadarat Singh, Master of Law. Gefeliciteerd door ouders
राजन राम पदारथ सिंह, शीला जोखू और वैसे इनका तमाम परिवार, अर्जुन तमाम परिवार, नंद प्रसाद सब लोग रायश्री बिटिया को भाव से बधाई दिया है। जैसे कि हमारा नातिन भी रशेल ईसाक, वो भी लॉ की डिग्री हासिल की है, है? जो बैचलर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी नीदरलैंड में, और अब से जो शुरुआत करेगा तो मेस्टर के जाएगा टीटल। तो फिर तो आप तो जानते हैं वो लोग ऑफिसियर के काम रहे या अफ्तोकार के काम ऐसे ही से रहे, तो उनके मैया के नाम है परवीन ईसाक अपने बिटिया के लिए, और उनका नाना और नानी जो है तनी बुढ़वा बुढ़वा बुढ़े बाकी कोई बात ना है, है? वो लोग अपने नातिन के लिए इम्तियाज और फिरदौस अपने भाई को मुबारकबाद दिया है, रशेल ईसाक जो भी बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी में पास हुई है, और अब से वो मिनिस्टर के आफ करेगा। तो अबे ये संदेश आप तक है। एक 75 आदमी का आकाश सुनिए, गाड़ी चलावे इतना जोर से, बलांत सबाकू पलांताश आख सौंदरे, गाड़ी ली है दी है घुस गए कंधाल में काका, त्रे इनसे अनुमान एन फ्रॉ चिल्ला बचाओ बचाओ बचाओ, अब कैसे बचाइए उल्टल है गाड़ी। तो लोग भाव दौड़ करके गए तो पता चला कि अजनिया खूब दारू पियेगा, कचर दम दारू, खूब कचर दम दारू, बकरियो तो का करियो, अच्छा से रहियो भैया जी, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, शुक्रिया।